इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह वरसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम सामीन कराम, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, आज के जुमा के मुख्तसर से खुतबे में जिस मौजू पर चंद बातें मुझे आपके सामने पेश करनी हैं, मौजू है तज़किया ए नफ्स, अहमियत और वसाइल। एक जुमा के खुतबे में किसी भी मौजू के तमाम पहलुओं पर बातें नहीं हो सकती, लेकिन किसी मौजू के चंद पहलुओं पर बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, हमारे नौजवान जिनकी उर्दू मजबूत नहीं है, उनको तज़किया नफ्स का मतलब समझ में नहीं आया होगा कि तज़किया नफ्स का मतलब क्या है। तज़किया या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी रूट जो मीनिंग है, जो इसकी बुनियादी इसके जो माने हैं, उसमें दो बातें हैं। एक बात यह है तज़किया के माने तहारत, पाकी, सफाई, और तज़किया का दूसरा माना है नमू, इजाफा, बढ़ोतरी। अब नफ्स यानी इंसान का अपना दिल, उसकी अपनी तबीयत, इंसान बजाते खुद, यह है नफ्स। अब हमें अपने नफ्स का तज़किया करना है, तो इसका माना यह हुआ आसान लफ्ज़ों में कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो गुनाह के काम जिनमें हम मुलव्वस हैं, जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो कमियां हैं, उससे अपने आप को पाको साफ करना है। यानी एक काम है निकालना कि जो गंदगी है उसको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी तबीयत से निकाल के बाहर करना है। इसके माने पाक करना, ततहीर, तज़किया, एक माना वाज़े अंदाज में ये। उसका दूसरा हिस्सा क्या हुआ? इजाफा करना है, बढ़ाना है। किस चीज़ को बढ़ाना है? अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना है, नेक बातों को बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी में नेकियों का इजाफा करना है, अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भरना है। अब उसमें जो इजाफा होगा, नमो होगा, हमारी जो बढ़ोतरी होगी, हमारा जो इजाफा होगा नेक कामों में, अच्छाइयों में, भलाइयों में और बढ़ना है। यह है तज़किया का माना। बहुत आसान लफ्ज़ों में तज़किया का माना यह है कि इंसान अपने आप को बुराइयों से पाक करे, बुराइयों से दूर करे और नेकियों के करीब हो जाए, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और अज्र वाली बातें ज़्यादा जमा हो जाएं, वो ज़्यादा नेकियां करने वाला हो जाए, ज़्यादा दीनदार हो जाए, ज़्यादा तकवा शियार हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की बातों को मानने वाला, उन पे अमल करने वाला, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से मना किया है उनसे दूर रहने वाला, उनसे बचने वाला हो जाए। यही है तज़किया नफ्स। यही है तज़किया नफ्स। आप लोग जुमा के खुतबे में बात ना करें, कोशिश करें कि अगर कोई ज़रूरत भी हो तो इशारे में हो जाए काम, क्योंकि बोलने वाले को डिस्टर्ब होता है। और ये इसके बारे में आप जानते हैं कि शरीयत की सख्त तालीम है। कोई ख़तीब जुमा का खुतबा दे रहा हो, अगर कोई शोर मचाता है और दूसरा आदमी कहता है चुप हो जाओ, नबी ने कहा जो ये कह रहा है चुप हो जाओ फ़कत लगा, इसने भी लगू काम किया, इसने भी गलती की। मतलब क्या है, बोलना नहीं है कुछ। अगर किसी को मना करना कुछ बहुत ज़रूरी बात भी है तो ऐसा इशारे किनारे में की जाए कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो ये है तज़किया। अब इसकी अहमियत क्या है, इस ताल्लुक़ से मैं एक दो आयतें और एक हदीस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सूरह शम्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कई चीज़ों की कसम खाई है। वश्शम्सि वदुहा है, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, उसके किरणों की। वल्कमरि इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जो उसके बाद, सूरज के बाद आता है। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की, दोपहर की, जो कायनात को रोशन कर देता है। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जो कायनात पर छा जाती है। वस्समाइ वमा बदाहा, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की, वमा तहाहा और उसके हमवार करने वाली ज़ात की कसम। व नफ्सि वमा सव्वाहा, कसम है इंसानी नफ्स की और उस ज़ात की कसम जिसने उसको हमवार बनाया है, जिसको उसने ठीक ठाक बनाया है। अब अल्लाह ताला ने इतनी सारी कसमें खा के हमें क्या बताया है? जब कोई कसम खाई जाती है तो आप जानते हैं उसके बाद कोई बड़ी बात बोली जाती कि अल्लाह की कसम। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की कसम बात ऐसी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत सारे मखलूक़ात की कसम खाने के बाद फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नफ्स में गुनाह का मादा भी रखा है और तक़वा और नेकी का मादा भी रखा। एक माना तो ये है, दूसरा माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गुनाह का रास्ता भी बताया है कि ये चीज़ें गुनाह हैं, यानी हमें बता दिया है। जैसा दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ता बता दिया है, बुराई का रास्ता भी बता दिया है और अच्छाई और भलाई का रास्ता भी बता दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी नफ्स को उसका फुजूर, उसके गुनाह, जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें वो भी बता दी। क्या चीज़ें उसकी ज़िंदगी को मलिया मेट कर देंगी, आखरत को तबाह बर्बाद कर देंगी। अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान करीम के ज़रिए, अपनी आसमानी किताबों के ज़रिए, अपने अम्बिया कराम के ज़रिए और ख़ुद इंसान की अपने नफ्स में। इसीलिए इंसान कहता है, एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ज़मीर की चुभन, ज़मीर की खलिश। इंसान गुनाह करने जाता, अंदर से आवाज़ आती है तुम गलत कर रहे हो, लेकिन इंसान उस आगे बात आएगी, लेकिन इंसान उसको दबा देता है। ज़मीर चीखता है, आवाज़ चीखती है तुम गलत करने जा रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों से छुप के कर रहे हो, तुम्हें अच्छा खुद नहीं लग रहा, तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन इंसान उस आवाज़ को दबा देता है। आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। बहरहाल ये कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने नेकी का रास्ता भी बता दिया और तकवा का रास्ता, नेकियों का रास्ता, जन्नत में ले जाने वाली चीज़ें। क्या चीज़ें जन्नत की नेमतों से हमें सरफराज कर देंगी, कैसे हमें जन्नत की नेमतें नसीब होगी, वो तमाम बातें आसमानी किताबों के ज़रिए, अम्बिया कराम के ज़रिए और हमारी तबीयत के ज़रिए बता दी गई। अब आगे फरमाया कि हमें करना क्या है। क़द अफ़्लहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने आप का तज़किया किया, अपने आप को गुनाहों की आलाइश से, गुनाहों की गंदगी से पाक किया, वही कामयाब है। जिसकी ज़िंदगी गुनाहों में लथपथ रही, जो गुनाहों के कीचड़ में पड़ा रहा, वो कामयाब नहीं होगा, ना दुनिया में कामयाब होगा, ना आखिरत में कामयाब होगा। ये हमारे लिए बातें हैं। क़द अफ़्लहा, बेशक, तहक़ीक़, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपने ज़िंदगी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी तबीयत को गुनाहों से, कीचड़ से, तमाम चीज़ों से, गंदगियों से पाको साफ कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हो गया, नामुराद हो गया वो इंसान जिसने दस्साहा के माने उसको छुपा लिया, अपने नफ्स को दबा दिया, उसने उभरने नहीं दिया उसकी नेकी को। असल माना यही है, जैसा कुरान में दूसरी जगह इरशाद है बेटियों को दफन करने के बारे में, यदुस्सुहूफ़ि तुराब, कि अपनी बेटी को वो मिट्टी में दबा दे। तो दस्सा या दस्सा दोनों का माना दबा देना, छुपा लेना, मिट्टी में किसी चीज़ में दफन कर देना। क़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स की अच्छाइयों को दबा दिया, ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में इरशाद फरमाया है, जिसे आपने बारहा उलमाए कराम से सुना होगा, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा, हर इंसान का, हर जिन का बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है, अच्छाइयों पे पैदा होता है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बच्चा कभी भी मुशरिक नहीं होगा, गुनाह करने वाला नहीं होगा, बुराइयों की तरफ जाने वाला नहीं होगा। लेकिन उसका माहौल, उसके माँ बाप उसे या तो यहूदी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या उसको बुरी चीज़ों की आदतें डाल देते हैं। तो ये फितरत इस्लाम है, ये है तज़किया। एक और आयत, उसके बाद एक हदीस कि तज़किया की अहमियत क्या है, साफ दिल की अहमियत क्या है। सूरह शुरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन इंसान का माल उसे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उसका माल, और माल का लफ्ज़ ज़िक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों की तरफ इशारा कर दिया, चाहे वो माल हो, चाहे वो क़ुव्वत हो, चाहे वो आपका रसूख हो, आपका मनसब हो, आपकी कोई पोस्ट हो, आपका कोई स्टेटस हो, किसी भी एतबार से ये तमाम चीज़ें क़यामत के दिन हमारे काम आने वाली नहीं हैं। वला बनून, और हमारे बच्चे हमारे काम नहीं आएंगे। ये अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, जिनके लिए हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। उनकी खुशी के लिए, उनको आराम देने के लिए, उनको आसाइश देने के लिए ज़िंदगी में हम अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर लेते हैं, गुनाहों का शिकार हम हो जाते हैं। हम हराम तरीक़े से कमा के किसी न किसी तरह बच्चों की लाइफ को सेट करना चाहते हैं, उन्हें जो है इज़्ज़त देना चाहते हैं, उन्हें मालदार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें अपना नुकसान कर लेते हैं कि हम क़यामत में पकड़े जाएंगे, हम गिरफ्त में आ जाएंगे। फरमाया कि उस दिन ना तो माल फ़ायदा पहुँचाएगा, ना इंसान की औलाद कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ, जो शख्स अल्लाह ताला के पास आएगा क़ल्बे सलीम लेके, क़ल्ब के माने दिल और सलीम के माने साफ़ सुथरा, जिसमें शिरक नहीं होगा, जिसमें निफाक नहीं होगा, जिसमें कुफ्र नहीं होगा, जिसमें बिदात नहीं होगी, जिसमें बड़े बड़े कबायर गुनाह नहीं होंगे, जिसमें मासियत नहीं होगी। जितना दिल ज़्यादा पाक होगा इन तमाम गुनाहों से, इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम गंदगियों से, अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा दिल ही काबिल कबूल होगा। अब ये मेरा आपका काम है कि दिल को पाको साफ करता है, दिल में कोई बुराई नहीं आने देना, ना शिरक की बुराई, ना कुफ्र की बुराई, ना निफाक की बुराई, ना कबायर गुनाहों की, बड़े बड़े गुनाहों की बुराई, ना किसी छोटे गुनाह की बुराई। कोशिश करना है कि हमारी ज़िंदगी और ख़ास तौर से हमारा दिल, क्योंकि ये तमाम आज़ा का सरदार है, दिल और दिमाग का कनेक्शन जो है ये तमाम आज़ा का सरदार है। अगर हमारा दिल साफ़ और सुथरा है तो इंशाअल्लाह हमारे आज़ा से, हमारे ऑर्गन से अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे काम सरजद होंगे, अच्छे काम अंजाम पाएंगे। लेकिन अगर दिल ख़राब हो गया, दिल में निफाक है, दिल में कुफ्र है, शिरक है, शक की बीमारी है, शहवात की बीमारी है, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी अगर दिल में पाई जाती है तो कभी भी हमारे काम अच्छे नहीं हो सकते, हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बेहतरीन मिसाल के ज़रिए समझाया है कि हमें दिल की हिफाजत कैसे करनी है। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, तुरदुल फितनु अलल कुलूबि कल हसीरि ऊदन ऊदा। इंसान घर से बाहर निकलता है, ये मिसाल दे रहा हूँ, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन बाहर फितने ज़्यादा अमूमन। इंसान घर से बाहर निकलता है, उसके दिल पर फितने पेश किए जाते हैं। घर से निकलता है तो फितने उसके दिल पे आते हैं। आँखों का फितना, बुराई को देखने का फितना, बुराई को सुनने का फितना, बुराई करने का फितना। अपने दुकान पे जाता है, कारोबार में लगता है, झूठ बोलता है, धोखा देता, बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे हजारों फितने उसके दिल पे आते हैं, फितनों का शिकार होता है। नबी ने फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे चटाई की सीख, चटाई की तीली, जो पुरानी चटाई होती थी हमारी तीली वाली, हम सब जानते ही हैं, तो उसमें कैसे तीली ऐसे 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 होती है। तो जैसे एक तीली, एक फितना आपने कबूल कर लिया, आपने आने दिया, तो वो एक तीली हमारे दिल पे ऐसे पड़ जाती है। नबी ने फरमाया ऐसे ही पेश होती, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार पांच फितने आ रहे हैं। हम आराम से कबूल कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, या कम से कम गीबत हमारी मजलिस में हो रही है, हम सुन रहे हैं, उसका इनकार नहीं कर रहे, गीबत करने वाले को मना नहीं कर रहे, आँखों से कुछ गुनाह कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, मौका मिला हमने झूठ बोल दिया, हमने झूठ को आसान समझ लिया, और उससे बड़े बड़े गुनाह। तमाम चीज़ें आज जैसे बहुत सारे बड़े गुनाह अब आम होते जा रहे हैं, जैसे जुआ, फला फला रमी सर्कल के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, जो है अब दूसरे अंदाज में जुए का तरीका राइज होता जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ पैसे की लालच में, हमारे नौजवान इजी मनी, कहाँ से जल्दी पैसा आए, शरीयत का एतबार नहीं करते, शरीयत के अहकामात का ख्याल नहीं करते, पहले फंस जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तब पूछने आते हैं बाद में। पहले आप पूछो कि जो करने जा रहे हो शरीयत में उसका हुक्म क्या है। बहरहाल मैं इशारा कर रहा था कि इंसान निकलता है तो हज़ार फितने हैं। नबी ने कहा कि हमें करना क्या है और हमारे दिल की मिसाल क्या होती है। फरमाया कि फ़अय्यु क़ल्बिन उश्रिबहा, कि जो भी इंसानी दिल किसी फितने को कबूल कर लेता है, फितना उसके दिल में रचो बस जाता है, नुक़्ताफ़ी ही नुक़्ततुन सौदाउ, उस दिल में एक काला नुक्ता पड़ जाता है। हमने एक बुराई कबूल कर ली, एक काला नुक्ता पड़ गया। वो अय्यो क़ल्बिन अनकरहा, और जो दिल उस फितने का इनकार करता है उसको रोक देता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं गीबत नहीं सुनूंगा। झूठ निकलने वाला था मुंह से, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा। किसी को धोखा देने का, फायदे की गरज से लग रहा था बड़ा फायदा होने वाला है, तो किसी को चीट कर दो, धोखा दे दो, लेकिन कहा नहीं, अल्लाह ताला ने धोखे से मना किया, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। वहीं उसने रोका, आंखों का कहीं गुनाह होने जा रहा था, निगाहें उसने नीची कर ली, कोई भी ऐसा काम किया, अनकरहा, रोक दिया उसका दरवाजा, आने नहीं दिया, तो उस दिल में नुक़्ताफ़ी ही नुक़्ततुन बैग़ा, सफ़ेद नुक्ता लग जाता है। उसके बाद इंसानों के दिल दो तरह के दिलों में तकसीम हो जाते हैं। एक दिल यह है आला अबयदा मिस्ल सफ़ा, एक दिल सफ़ेद होता है किसी चिकने सफ़ेद पत्थर की तरह। जब तक आसमानों ज़मीन है, यानी जब तक उसकी ज़िंदगी है इंसान की, उसको कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एक दफ़ा आप जम गए नेकी पर, आप नफ्से मुतमइन्ना हो गए, जिसको कुरान ने नफ्से मुतमइन्ना कहा है, कि नफ्से मुतमइन्ना हो गए, फितनों का आपने मुकाबला किया, फितनों को अपने दिल में घर करने नहीं दिया, फितने को आने नहीं दिया, फितने के रास्ते, उसके ज़राए, उसके वसाइल आपने बंद कर दिए। हर वो तरीक़ा जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता था, आपने वो रास्ता, वो दरवाज़ा, वो खिड़की ही बंद कर दी। आपकी ज़िंदगी में फितना नहीं, आपका ईमान मजबूत हो गया। उसके बाद चट्टान जैसा फितना आए तो आपसे टकरा के चट्टान जैसा फितना वो टूट जाएगा, आपके दिल पर, आपके ईमान पर कोई असर नहीं होगा। यह है नफ्से मुतमइन्ना, ये मतलूब है। यही लोग जन्नत के आला दर्जात में होंगे, इन्हीं के लिए जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात हैं। ये अल्लाह के करीब रहने वाले, ये रब के अर्श के साए में रहने वाले लोग हैं, जिनका नफ्स मुतमइन है, जिनका ईमान मजबूत है। और ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान का नफ्स नफ्स मुतमइन्ना हो जाए, उसका ईमान मजबूत हो जाए, उसका दिल इतना मजबूत हो जाए कि अब फितनों को कबूल ना करे, गुनाहों को कबूल ना करे। उसके बाद फरमाया दूसरा दिल वो होता है वल आखरो अस्वद मुरबादन कलकूज मुजखिया, दूसरा दिल जो फितनों को कबूल करता है शुरू में वो काला पड़ जाता है और वो राख के रंग का हो जाता है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी पतीली को पहले जैसे कोयले की लकड़ी के ऊपर पतीली को पकाया जाता था, उसमें खाना होता था, अब उसको उल्टा करें उसमें काली राख आपको नजर आएगी, जिसे उल्टा कर दें वैसी हो गया काला एकदम। मिसाल दी नबी ने समझने के लिए, एकदम काला दिल हो गया। ला यारिफ मारूफन, अब उसको भली बात भली नहीं लगती। वालिदैन कहते हैं नमाज पढ़ने जाओ तो उसे लगता है कि कितनी बुरी बात उससे कही जा रही है, वो कबूल ही नहीं करता। उससे कहा जाता है कि सिगरेट ये गलत है, छोड़ दो, ये शरीय एतबार से भी गुनाह है और तुम्हारे जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह है, लेकिन उस सिगरेट का इतना आदी है, तम्बाकू का, बीड़ी का, गुटखे का इतना आदी है कि लगता है कि अब उसको समझाने वाला उसे बुरा लगने लगता है। मुझे क्यों समझाया जा रहा है, नमाज के लिए मुझे क्यों बोला जा रहा है, मुझे गुनाहों से क्यों मना किया जा रहा है। इंसान का दिल ऐसा हो जाता है, ला यारिफु मारूफा, भलाई को भलाई नहीं समझ रहा है, वला युनकिरु मुनकरा, और बुराई को बुराई नहीं समझता। और ये इंसान बड़ा मसला है, इंसान इतना कमजोर हो जाता है, बुराई अच्छी लगने लगती है, बुराई में मजा आने लगता है, बुराई के बगैर उसका दिल नहीं लगता। ऐसा इंसान कैसे जन्नत में जाएगा, जहन्नम से कैसे बच पाएगा। जो इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्स पर काबू नहीं रख सकता, जो बुराइयों से, छोटी छोटी बुराइयों से नहीं लड़ सकता, छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकता, तो ऐसा इंसान उसको कामयाबी कैसे मिलेगी। नबी ने हमें हमारे लिए बताया है, दिल हमारा है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे ठीक रखना है। इल्ला, हदीस मुकम्मल कर लेते, इल्ला मा उश्रिबा मिन हवाहु, अब उसको जो सियाह दिल है, जो काला दिल है, उसके ख्वाहिश के एतबार से बात करें तो बात अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग, कभी कभी अपने फायदे के लिए, ये बहुत बड़ी एक बुराई होती है, मतलब बहुत घिनौनी चीज़ है और बहुत ख़तरनाक चीज़, कि फतवा, उल्मा से फतवा लेना चाहते हैं कि आप फतवा दे दो कि सूद हलाल है, आप फतवा दे दो कि जो मैं कारोबार करने जा रहा हूँ वो हलाल है, अपने फ़ायदे के लिए। उनको समझाया जाता है कि नहीं, ये हलाल नहीं है। जो सूरत हाल आप बता रहे हैं आपके कारोबार की, आपके जो भी नौकरी की या किसी चीज़ की, जो आप शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्टअप आपका होने जा रहा है, जो भी, वो ठीक नहीं लग रहा है, वो शरीयत के एतबार से ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन नहीं, लोग ज़बरदस्ती ऐसे फतवे चाहते हैं जो उनकी ख्वाहिश के एतबार से। ये बहुत बुरी चीज़ है। बुराई सिर्फ ये नहीं है कि इंसान लत पड़ने की वजह से शराब पी रहा है, कम से कम शराब पीने वाला ये तो सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह के फतवे लेने आते हैं वो ये समझते हैं कि हम तो सही करने जा रहे हैं, ये उलमाए कराम बिला वजह मना कर रहे हैं, बिला वजह सख्ती कर रहे हैं। उलमाए कराम का अपना कुछ नहीं है, जो किताब और सुन्नत की बातें हैं उलमाए कराम वही आपको बताते हैं या कम से कम बताने की कोशिश करते हैं। तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाला इंसान का दिल, ऐसे इंसान का दिल काला होता है, सियाह होता है। साफ दिल उसका है जो ये कहे कि जो कुछ कुरान और हदीस में है मैं उसे मानूंगा, जो शरीयत में है मैं उसको तस्लीम करूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा, मैं इस्लाम को बदलने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। तो ये तक़वा के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। हमारे पास अभी 10 मिनट और है, तो तक़वा कैसे आएगा इस पर चंद बातें हम, या तज़किया कैसे होगा नफ्स का, इस पर चंद बातें आपसे की जाती हैं। अब कोई इंसान ये कहे कि तज़किया नफ्स तकरीबन मैंने समझ लिया कि तज़किया आप किसे कह रहे हैं, तो तज़किया कैसे पैदा होगा, नफ्स में पाकी कैसे आएगी, गुनाहों से बेरगबती कैसे पैदा होगी और नेकियों की चाहत कैसे पैदा होगी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद बातें आज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी इंसान को नेकियों के रास्ते पे चलना है, जन्नत के रास्ते पर चलना है, तो सबसे पहली बात, ताकि किसी गलती का शिकार ना हो, इंसान इल्म हासिल करे। इल्म शरीयत हासिल करे, कम से कम बुनियादी इल्म हासिल करे। अगर वो इल्म के रास्ते से किताब व सुन्नत और सल्फ़े सालिहीन के मनहज के एतबार से नहीं चलेगा, वो गुनाहों का शिकार, नेक नियती के बावजूद वो गुनाहों का शिकार हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि वो बिदात करेगा नेकी समझ के, शिर्क करेगा इस्लाम और तौहीद समझ के, जैसा कि आज हो रहा है। एक बहुत मशहूर मिसाल आप जानते हैं, उलमाए कराम से सुनते रहते हैं, आलिम और आबिद का फ़र्क क्या होता है। सही बुखारी के मशहूर हदीस है कि एक इंसान ने 99 कत्ल किया, पूरा वाक़या आप जानते हैं। ये फ़र्क है कि वो आबिद के पास गया और उससे उसने पूछा क्या मेरे लिए तौबा है। आबिद ने कहा, बुज़ुर्ग देखिए, इसको समझिए, अल्फाज जो भी इस्तेमाल आज के समाज में कीजिए, अल्लाह के वली, बड़े बुज़ुर्ग, पहुँचे हुए, खानका में बैठे हुए हैं, चिल्ले लगा रहे हैं, लोग उनको बड़ा नेक समझते हैं, ऐसा कोई तसव्वुर कीजिए। वो आदमी, गुनहगार आदमी, ऐसे इंसान के पास गया, उसने कहा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा है। आबिद ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए तौबा नहीं है। उसने उसको भी मार दिया, उसको भी कत्ल कर दिया। एक आलिम के पास गया और पूछा क्या मेरे लिए तौबा, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, ये कोई छोटा और मामूली गुनाह नहीं है। 100 लोगों को हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज तक किसी को नहीं मारा होगा, लेकिन उस इंसान ने 100 लोगों को कत्ल किया। अब आलिम के पास गया, आलिम से पूछ रहा है, हल ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है, तौबा का रास्ता खुला है। आलिम ने कहा कि तुम्हें तौबा से कौन रोक सकता है, अल्लाह का दर खुला हुआ है। ये फ़र्क है आलिम और आबिद का। एक और वाक़या इशारा करने के लिए कि तज़किये का रास्ता हमेशा जहन में रहे, इल्म के रास्ते से जाएगा, इल्म के वसीले से जाएगा। शरीयत का इल्म हासिल किए हुए कोई इंसान जन्नत तक पहुंचना चाहे वो नहीं जा पाएगा, जहन्नम से बचना चाहे नहीं बच पाएगा। एक छोटा सा दूसरा वाक़या, अमली वाक़या, साहबे किराम के ज़माने में एक साहब को उनके सर पे ज़ख्म लगा, साहबी को सर में ज़ख्म लगा, उसके बाद वो नापाक हुए, जनाबत हो गई उनको। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या मेरे लिए नहाना ज़रूरी है या तयम्मुम कर लिया जाए। तो लोगों ने बिला तहक़ीक़ के, गैर उल्मा थे, उन्होंने फतवा ये दे दिया बेचारे साहबी को, नहीं आपके लिए नहाना ज़रूरी है, और उन्होंने नहा लिया। तफसीलात हमें नहीं पता, लेकिन शायद पानी अंदर चला गया, कुछ ऐसा वाक़या पेश आया, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात, ये वाक़या पता चला, तो आपने उनके लिए बद्दुआ की जिन लोगों ने फतवा दिया था कि अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आपने कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन्होंने फतवा दे के उस सहाबी को, मेरे उस सहाबी को कत्ल कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद नबी ने एक उसूल बताया, इन्नमा शिफाउल इस्सुआल, कि अगर इंसान को, किसी इंसान को कोई मालूमात नहीं है, शरीयत के किसी हुक्म की जानकारी नहीं है, तो सवाल करे, उलमाए कराम से पूछे। तो कहने का मकसद ये है, ये नुक्ता हमारे जहन से ओझल नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ता अगर किताब व सुन्नत और मनहज सलफ़ के अलावा किसी और रास्ते से आपको कोई बुलाता है, तज़किये नफ्स की तरफ, अपने दिल को पाको साफ करने की तरफ, तक़वा तहारत हासिल करने की तरफ, तो वो शैतान के रास्ते की तरफ बुलाता है। तज़किये का रास्ता, तक़वा तहारत का रास्ता कुरान के ज़रिए से जाएगा, सुन्नत के रास्ते से जाएगा, मनहज सलफ़ के रास्ते से जाएगा। उसके अलावा कोई भी तरीक़ा वही होगा जो आज हम वीडियो में देख रहे हैं। कोई करंट मार रहा है, बाबा इशारा कर रहा हूँ, ज़्यादा वाक़यात नहीं, लेकिन कोई करंट मार रहा है, कोई नाच रहा है दीन के नाम पर, कोई उठक बैठक कर रहा है दीन के नाम पर। अजीब अजीब तमाशे आप जानते हैं, अजीब अजीब तमाशे दीन के नाम पर। और सब कुछ हो रहा है किस नाम पर, दुनिया के नाम पर नहीं, इसी तज़किये के नाम पर, इसी पीरी मुरीदी के नाम पर, इसी तक़वा तहारत के नाम पर, लोगों के दिल को पाक साफ करने के नाम पर, लोगों को अल्लाह ताला से करीब करने के नाम पर, लोगों को अल्लाह का नेक बंदा बनाने के नाम पर ये तमाशा, ये जो है सर्कस हो रहा पूरा। इसीलिए कहना ज़रूरी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है सूरह फातिर में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की मारिफत रखते हैं, जो अल्लाह ताला के दीन को जानते हैं, उसकी शरीयत को जानते हैं, जो किताब व सुन्नत का इल्म रखते हैं, जो मनहज सलफ़ का इल्म रखते हैं। सलफ़ सालिहीन ने, सहाबे कराम, ताबईन तबे ताबईन ने कैसे शरीयत को समझा है, कैसे शरीयत को बरता है, अपनी ज़िंदगी में शरीयत पे कैसे अमल किया है। जो लोग इस रास्ते पर हैं वही तज़किया हासिल कर सकते हैं। खशियत इलाही उन्हीं के दिलों में आ सकती है, नजात का रास्ता उन्हीं के लिए। तो एक बात यह है, एक दो बातें और कर लेते हैं, इंशाल्लाह कभी किसी दूसरे मौके पर और भी वसाइल आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें हैं। एक और तरीक़ा ये तज़किया नफ्स का ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने, इशारा हो गया लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में से ये भी था कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान पर एहसान किया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब रसूल की बातें क्या थीं, रसूल का मिशन क्या था, यतलु अलैहिम आयातिही, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम पर अल्लाह ताला की आयतें तिलावत फरमाते थे, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते थे। तो दूसरी बात यह है कि इंसान को अगर तज़किया चाहिए, छोटा सा लेकिन अहम पॉइंट ये, इंसान उलमाए कराम से राब्ते में रहे, दीन का सही इल्म रखते हैं, जो तकवा वाले हैं, तहारत वाले, ऐसे उलमा आपको मिलें तो आप उनसे राब्ता बना के रखें, उनकी सरपरस्ती में रहें, उनकी रहनुमाई में रहें, दीन की बातें उनसे लें। आप जानते हैं ज़माना सोशल मीडिया का है, और भी तरीक़े से जो है इल्म आपके पास आ रहा है, लेकिन कौन सा इल्म सही है गलत है इंसान कभी कभी समझ नहीं पाता। इसलिए जो करीबी उलमा हैं, लेकिन दो शर्तों के साथ, एक इल्म वाला हो शख्स, आलिम इल्म वाला हो, दूसरा नेक हो, तकवा वाला हो, ऐसा कोई आलिम मिले तो ऐसे इंसान की सोहबत में रहिए, इंशाअल्लाह वो आपके नफ्स का तज़किया करने का सबब बनेगा। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बातें बहुत सारी हैं, वक्त चूँकि कम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।